दोस्तों आमिर खान एक ऐसे एक्टर जिन्हें मिस्टर परफेक्टनिस्ट भी कहा जाता है, क्योंकि जब अपनी एक फिल्म बनाते हैं तो उसी फिल्म में डूब जाते हैं। इनकी फिल्म बनने में 2 से 3 साल लगते हैं और ये अपनी फिल्म में छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं। जैसे इन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था कि जब इनकी दंगल फिल्म की शूटिंग चल रही थी तो इन्हें दंगल फिल्म के लिए अपना वेट थोड़ा लॉस करना था और उसी दौरान शाहरुख खान ने इन्हें अपने घर पर एक पार्टी में बुलाया जिसमें एप्पल के CEO टिम कुक भी आए थे। ये वहां पर गए लेकिन ये अपना टिफिन साथ लेके गए क्योंकि इन्हें अपना वेट लॉस करना था दंगल फिल्म के लिए। अब आप ही बताइए, कोई शख्स अगर इतनी डेडिकेशन के साथ अपने काम को करेगा, अपने काम में छोटी छोटी चीजों का ध्यान भी रखेगा, तो उसकी फिल्म तो चलेगी ही ना। और यही कारण है कि आमिर खान की फिल्मों का लोग बेसब्री से इंतजार करते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में आप जानेंगे आमिर खान की कौन कौन सी फिल्में आने वाली हैं। पहली फिल्म है लाल सिंह चड्ढा जो कि 11 अगस्त 2022 को आएगी, जिसमें एक्ट्रेस है करीना कपूर। दूसरी फिल्म है चैंपियंस जो कि स्पेनिश फिल्म की रीमेक है जो कि 2023 में आएगी, इसमें एक्ट्रेस है अनुष्का शर्मा। तीसरी फिल्म है मोगल जो कि 2024 में आएगी, लेकिन इसकी एक्ट्रेस अभी फाइनल नहीं की गई है कि कौन सी एक्ट्रेस हमें इस फिल्म में देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों इनमें से कौन सी फिल्म के लिए आप ज्यादा एक्साइटेड है कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। इस वीडियो में आप जानेंगे कि बटर पीनट क्यों बना और हाथी के मल में पाई जाने वाली बीन से बनती है दुनिया की सबसे महंगी कॉफी। तो स्टार्ट करते हैं आज की एक नई वीडियो। दोस्तों किसी इंसान का वेट कितना हो सकता है, 80 किलो, 90 किलो, 100 किलो, 110 किलो, 120 किलो, लेकिन अमेरिका में रहने वाले जॉन ब्रावर मिनोज का वेट है 1400 पाउंड जो कि इन्हें अब तक का सबसे भारी इंसान बनाता है। दोस्तों क्रोकरोच जिन्हें देखकर अक्सर लोग डर जाते हैं जो कि घर के किसी भी कोने में दिख जाते हैं, लेकिन क्रोकरोच एक पहला ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसने स्पेस में जन्म लिया। 33 क्रोकरोच बेबी का जन्म हुआ स्पेस सेटल में 2007 में और वो ज्यादा ताकतवर थे उन कॉकरोचों से जो कि धरती पर पाए जाते हैं। दोस्तों आपने ऐसे हेलीकॉप्टर देखे होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि 1970 से पहले एलिफेंट की शेप के हेलीकॉप्टर होते थे जिन्हें एलिफेंट हेलीकॉप्टर कहा जाता था। दोस्तों जहां कई लोग सिगरेट को पीकर इधर उधर फेंक देते हैं, वहीं कई लोग अपने एनवायरनमेंट को बचाने के लिए उन्हीं फेंकी हुई सिगरेटों से अनबिलीवेबल क्रिएशन कर देते हैं। जैसे एक लड़की ने 5000 से ज्यादा सिगरेट बट यानी जो सिगरेट के पीछे वाला हिस्सा होता है उनको इकट्ठा कर एक गजब का कोट बना दिया। दोस्तों पीनट बटर जिम वाले बंदे खाते हैं या पतले दुबले बंदे खाते हैं अपने आप को फिट रखने के लिए, लेकिन क्या आप जानते हैं कि पीनट बटर उन लोगों के लिए बनाया गया था जो मीट नहीं खा पाते थे, जिनके दांत खराब होते थे, लेकिन अब वो लोग खाते हैं जो जिम करते हैं या जिन्हें अपने आप को फिट रखना होता है। दोस्तों कॉफी जो कि अधिकतर लोगों को पसंद होती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे महंगी कॉफी हाथी के मल में पाई जाने वाली बीन से बनती है। दोस्तों इलॉन मस्क ने ट्विटर को खरीद लिया है $44.2 बिलियन में। उन्होंने ट्विटर खरीदने के 3 रीजन बताए हैं। ट्विटर पर बहुत सारे बोट और स्पैम अकाउंट है जिससे कुछ भी ट्रेंड होने लगता है, जैसे किसी का नाम या किसी कंट्री का नाम ट्रेंड होने लगता है, वो इसे ठीक करना चाहते हैं और जितने भी बोट या स्पैम अकाउंट है उन्हें बंद करने पर काम करेंगे। नंबर 2 एल्गोरिथम को ओपन करना। अब आप सोच रहे होंगे ये एल्गोरिथम क्या होता है। ये एल्गोरिथम एक तरीके का सिस्टम होता है। जैसे आपने किसी को कोई कमेंट किया, किसी को नेगेटिव कमेंट किया जो कि कम्युनिटी गाइडलाइन को फॉलो नहीं करता, तो आपका कमेंट बैन हो जाएगा या रिमूव हो जाएगा। और ट्विटर पर पहले किसी को नहीं पता लगता था कि वो बैन क्यों करे जा रहे हैं, बस एक मैसेज पहुंचता था कि आपने कम्युनिटी गाइडलाइन को फॉलो नहीं किया है, ऐसा करके कोई मैसेज पहुंचता था और आप बैन हो जाते थे, लेकिन डायरेक्टली कुछ पक्का नहीं पता लगता था कि बैन क्यों हो रहे हैं। और इलॉन मस्क ने कहा है कि इस एल्गोरिथम को ओपन कर देंगे जिससे लोग बता पाए कि इसमें क्या कमी है और हम इसे कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। लास्ट पॉइंट फ्रीडम ऑफ स्पीच। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना चाहते हैं जिस पर फ्रीडम ऑफ स्पीच हो, जिस पर लोग अपनी बातों को रख पाए। तो दोस्तों देखते हैं कि आगे आगे क्या क्या चेंजेस करते हैं इलॉन मस्क ट्विटर के साथ। दोस्तों हीरोपंती 2 रिलीज हो चुके हैं, लेकिन अगर आप इस मूवी को देखने का प्लान बना रहे हैं तो ये रिव्यू जरूर देखें। दोस्तों इस मूवी को देखते हुए आप बोर हो जाएंगे क्योंकि आधे से ज्यादा मूवी एक्शन में ही निकल जाती है और इस मूवी की स्टोरी साइबर क्राइम पर बेस्ड है, लेकिन इसकी स्टोरी में जरा भी दम नहीं है। लेकिन नवाजुद्दीन सिद्दीकी का रोल एक्टिंग एकदम गजब है और जब लैला यानी नवाजुद्दीन सिद्दीकी स्क्रीन पर आते हैं तो स्क्रीन
स्क्रीन से नजर नहीं हटती और मुझे पूरी फिल्म में नवाजुद्दीन सिद्दीकी का एक्शन, रोल, कैरेक्टर और एक्टिंग सबसे बढ़िया लगी। और इस मूवी में कहीं भी कुछ भी डाल रखा है, कभी भी गाना बजाता है। और जब मैं इस मूवी को देखने गया तो पूरा हॉल खाली पड़ा था। और हीरोपंती 2 देखने के लिए आपको हीरोपंती देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इससे उसका कुछ भी लेना देना नहीं। और अब हीरोपंती 2 देखनी है आपको या नहीं, ये आप डिसाइड करें। वैसे आप देखेंगे या नहीं कमेंट में जरूर। दोस्तों, हीरोपंती 2 का ऑफिशियल ट्रेलर 2 रिलीज हो चुका है, जिसे देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि 29 अप्रैल को इसे तो हॉल में ही देखने जाना पड़ेगा। दोस्तों, इस ट्रेलर में हम समझ पा रहे हैं कि हमारा हीरो अपोजिशन पार्टी को क्यों मार रहा है, और इसी वजह से हम उससे कनेक्ट हो जाते हैं और हमें ट्रेलर को देखने में इंटरेस्ट आता है और मूवी को देखने के लिए भी इंटरेस्ट बढ़ता है और मूवी को देखने का नजरिया ही बदल जाता है। लेकिन इससे पहले जो ट्रेलर आया था वो कुछ ज्यादा खास नहीं था। उसमें हमें पता ही नहीं लग पा रहा था कि हमारा हीरो अपोजिशन पार्टी को मार क्यों रहा है। और जब नवाजुद्दीन सिद्दीकी स्क्रीन पर आते हैं तब तो पूरा ट्रेलर ही बदल जाता है और टाइगर श्रॉफ के सीन्स और डायलॉग भी गजब हैं। लेकिन एक दिक्कत हो गई कि इन्होंने ये वाला ट्रेलर बाद में रिलीज करा, लेकिन कोई बात नहीं, अब हमें कम इंतजार करना पड़ेगा। दोस्तों, इस मूवी में टाइगर श्रॉफ है तो ये तो पक्का है कि ये मूवी एक्शन और फाइटिंग सीन से भरी है, बाकी 29 अप्रैल को पता लग जाएगा। ओवरऑल ये ट्रेलर मुझे बहुत अच्छा लगा। वैसे क्या आपने ये वाला ट्रेलर देखा है? अगर देखा है तो कमेंट में बताइए कैसा लगा, और अगर नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाएं जाकर देखें। दोस्तों, कंगना रनौत की फिल्म धक्कड़ का ट्रेलर आ चुका है। ये ट्रेलर बिल्कुल हॉलीवुड लेवल है और इसमें जो उनकी एक्टिंग है एकदम परफेक्ट और जो फाइट सीक्वेंस है गजब। और ट्रेलर देखने से ऐसा लग रहा है कि कुछ नया होगा इसमें। ट्रेलर को देखने से पता लग रहा है कि मूवी में कंगना रनौत के साथ कुछ गलत हुआ है, या बचपन में या उनके जीवन में कुछ गलत हुआ है, जिनका गुस्सा उनके चेहरे पर साफ नजर आ रहा है। इस मूवी में कंगना एक एजेंट है जिनका नाम है अग्नि एजेंट, और वो एशिया के सबसे बड़े ह्यूमन ट्रैफिकर सिंडिकेट के खिलाफ लड़ रही है। ये ट्रेलर देखने के बाद एक एक्साइटमेंट जाग उठी है इस मूवी को देखने की। ओवरऑल ये ट्रेलर मुझे बहुत अच्छा लगा, बिल्कुल हॉलीवुड लेवल। वैसे क्या आपने ये ट्रेलर देखा है? अगर देखा है तो कमेंट में बताएं कैसा, और नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाएं जाकर देखें। दोस्तों, आदित्य रॉय कपूर की फिल्म ओम द बैटल विद इन का टीजर रिलीज हो चुका है। इस टीजर में स्टोरी को ज्यादा रिवील नहीं किया गया, जो कि ट्रेलर और मूवी के लिए इंटरेस्ट छोड़कर गया है। इस टीजर को देखने से पता लगता है कि आदित्य रॉय कपूर इस मूवी में एक सोल्जर के रूप में नजर आएंगे। इसके डायलॉग और BGM सुपर्ब हैं। रक्त रहे ना रहे, लेकिन ये राष्ट्र हमेशा रहेगा। ओवरऑल ये टीजर मुझे अच्छा लगा। इसके BGM और साउंड इफेक्ट इस टीजर में जान डाल देते हैं, बाकी 1 जुलाई को पता लगेगा, क्योंकि 1 जुलाई को ये फिल्म रिलीज होगी। वैसे क्या आपने इसका टीजर देखा? अगर देखा है तो कमेंट में बताइए कैसा लगा, और नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाएं जाके देखें। दोस्तों, दुनिया की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म अवतार, जिसने $2.7926 बिलियन की कमाई की थी, और अवतार के फैंस के लिए गुड न्यूज है। अवतार 2 की रिलीजिंग डेट का ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दिया गया है। ये फिल्म रिलीज होगी 16 दिसंबर 2022 को, जिसका टाइटल होगा अवतार द वे ऑफ वाटर। अवतार 2 में अवतार 1 की ही स्टोरी को कंटिन्यू किया जाएगा। वैसे आप अवतार 2 देखने के लिए कितना एक्साइटेड है परसेंटेज में कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, लड़कियां सुंदर दिखने के लिए कई तरीके कॉस्मेटिक्स का यूज करती हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि पुराने जमाने के ग्रीक और रोम की महिलाएं अपनी बॉडी पर मगरमच्छ के मल का लेप लगाते थे, क्योंकि उनका ऐसा मानना था कि इसे लगाने से वो सुंदर दिखेंगी और वो कभी भी बूढ़ी नहीं होंगी। दोस्तों, आपने कई तरीके की बीमारी के बारे में सुना होगा, लेकिन इस बीमारी के बारे में आपने शायद ही सुना होगा। हाइपोथायमिसिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें इंसान की याददाश्त बढ़ जाती है, उसको अपनी जीवन की सारी घटनाएं याद रहती हैं। इस समय दुनिया में सिर्फ 25 लोग ही ऐसे हैं जिनको ये बीमारी है। वैसे इस पर रिसर्च चल रहा है, क्योंकि साइंटिस्ट जानना चाहते हैं कि ऐसा क्या है दिमाग में जो याददाश्त को बढ़ा देता है, जिससे सारी बातें सब कुछ याद रहता है। तो दोस्तों, इससे पहले आप इनमें से कौन सा फैक्ट था जो जानते थे पहले से, कमेंट में जरूर बताओ। दोस्तों, आप एक्टर प्रभास को तो जानते होंगे, वही जिनकी फिल्म बाहुबली का फितूर लोगों के सर पर अभी तक चढ़ा हुआ है। इन्होंने फेयरनेस क्रीम के एड को ठुकराते हुए बड़े ही कमाल की बात कही है, जो कि अपने ही आप में बहुत कुछ कहती है। इन्होंने कहा कि इंसान की खूबसूरती उसके नेचर से होती है, अगर इंसान का दिल अच्छा है तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो गोरा है या काला है। तो दोस्तों, ऐसी महान सोच रखने वाले एक्टर के लिए इतनी पोस्ट पर होने के बाद भी अपने फैंस को गलत मैसेज ना देने के लिए एक लाइक तो बनता है। दोस्तों, फिल्म देखना तो सभी को पसंद है, और कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जिनके डायरेक्टर का नाम सुनते ही फिल्म देखने का और इंटरेस्ट बढ़ता है।
और डायरेक्टर एक बहुत ही जरूरी कैरेक्टर होता है फिल्म सेट पर। तो आज हम आपको दो ऐसे डायरेक्टर के बारे में बताने वाले हैं जिन्होंने 0% फ्लॉप मूवीज का रिकॉर्ड इंडियन सिनेमा पर बना रखा है। SS राजामौली, इन्होंने 12 फिल्में बनाई हैं बिना एक भी फ्लॉप मूवी दिए। राजकुमार हिरानी, इन्होंने 5 फिल्में बनाई हैं अभी तक और इनकी 5 फिल्में ब्लॉकबस्टर और हिट साबित हुई। तो दोस्तों, इनमें से कौन से डायरेक्टर की फिल्म आपको ज्यादा पसंद आती है कमेंट में जरूर बताएं, और जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।